नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। और जिस तरीके से आज 15वें दिन सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के केस को लेकर, और उसके दौरान जो वकील थे राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के पीएन मिश्रा, उन्होंने बड़े ही तर्कपूर्ण अंदाज में आज जजों के सामने पूरे तथ्यों को रखा। और इससे पहले कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया था कि वो मस्जिद बाबर ने मंदिर तोड़कर बनवाई थी या औरंगजेब ने, इसको लेकर कहीं से भी कोई किसी तरीके का तथ्य साबित नहीं हो पाया है, और मुस्लिम पक्ष इसको साबित नहीं कर पाया कि वो बाबरी मस्जिद थी। इसको लेकर जस्टिस बोबड़े ने तीन सवाल किए थे पीएन मिश्रा के सामने, और उन्होंने ये पूछा था कि आप हमें ये बताइए कि ये जो पूरा मामला आप बता रहे हैं, इसमें क्या वहाँ एक स्ट्रक्चर था, क्या स्ट्रक्चर मस्जिद है या नहीं, या स्ट्रक्चर हिंदुओं को समर्पित था। उससे पहले पीएन मिश्रा ने स्पष्ट किया कि जो हाई कोर्ट का फैसला था उसमें एक जज ने यह माना था कि वहाँ बाबर ने मस्जिद नहीं बनवाई थी, एक जज ने यह माना था कि मस्जिद शायद बाबर ने बनवाई थी, जो कि अनुमान पर आधारित था। और इसके लिए उन्होंने जब मुगल काल में भारत के नामक किताब पढ़नी चाहिए तो उन्होंने कहा कि क्या ये किताब आप पढ़ने के लिए आपने रिकॉर्ड में रखा है, तो उन्होंने ये कहा था कि इस किताब का हवाला हाई कोर्ट ने भी लिया गया था। निश्चित तौर पर उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसका कोई सबूत नहीं है कि जो ढांचे का निर्माण बाबर ने कराया था, जबकि दूसरे जज के अनुसार ये औरंगजेब ने बनवाया था। लेकिन मुस्लिम पक्षकार उस पूरे मामले में ये साबित नहीं कर पाए थे कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था। और इस पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जब कोई सबूत ही नहीं है तो मुस्लिम पक्षकार उस जमीन को कैसे बता सकते हैं कि वो उनकी मस्जिद थी जिस पर कब्जा या हिस्सेदारी वो मांग रहे हैं। बाबर ने मस्जिद का निर्माण नहीं कराया और ये विवादित जमीन का मालिक भी नहीं था। जब मालिक ही नहीं था तो सुन्नी वक्फ बोर्ड किस आधार पर अपना दावा कर सकता है। निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया, और इसको लेकर उन्होंने जस्टिस जो हाईकोर्ट के जज थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एसयू खान, उनके निष्कर्ष का वो भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि इस बाबत कोई सबूत नहीं है कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया था, लेकिन मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि ये मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। ये तो स्पष्ट है कि मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनाया गया था, क्योंकि मंदिर के अवशेष उस जगह से मिले हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई थी। ये कहना था एसयू खान नाम के उस जज का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच में थे। निश्चित तौर पर पीएन मिश्रा ने एक बड़ा खुलासा करके सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को जवाब दे दिया जो बार बार सवाल उठाते हैं राम जन्मभूमि के अस्तित्व पर, उस मंदिर के अस्तित्व पर जिसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी तोड़कर। तो उन्होंने जब यह पूछा कि क्या वहाँ स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर मस्जिद था, और मस्जिद जो स्ट्रक्चर था वो हिंदुओं के को भी समर्पित था, तो इसका जवाब उन्होंने बड़े ही विस्तृत ब्यौरे के साथ दिया। और उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी मस्जिद कब्जे वाली जमीन पर नहीं बनाई जा सकती, जिसका मालिकाना हक अगर मुसलमानों के पास नहीं है तो उस जगह को मस्जिद भी नहीं कह सकते। और इससे पहले जो एडवोकेट पीएन मिश्रा हैं राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के, उन्होंने कहा था कल जो पूरी पीठ को कि चाहे बाबर नामा हो या हुमायूं नामा हो या फिर आईने अकबरी हो या तुजुके जहांगीरी हो, किसी भी पुस्तक में ये जो बाबरी मस्जिद इसको बताया गया है इसका जिक्र नहीं है, जबकि एक जगह अकबरनामा में आईने अकबरी में ये है राम कोट के नाम से इस जगह का उल्लेख है। और राम कोट इसलिए है क्योंकि वहाँ राम जन्मभूमि का एक मंदिर था या राम का किला कहा जाता था उसको। तो निश्चित तौर पर इस बात पर जब इसको पूछा गया जस्टिस बोबड़े और चंद्रचूड़ ने यह पूछा कि आप इन किताबों का हवाला देकर क्या साबित करना चाहते हैं, तो पीएन मिश्रा ने स्पष्ट किया कि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि जो दावा किया जा रहा है कि वहां बाबरी मस्जिद थी वो दावा झूठा है। बाबर ने वहां कोई मस्जिद नहीं बनवाई और ना ही बाबर के किसी मीर बाकी नाम के सेनापति ने वहां मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद औरंगजेब द्वारा मंदिर को तोड़कर बाद में बनवाई गई थी।
क्योंकि इसका जिक्र तुलसीदास ने भी नहीं किया जो कि बाबर के समकालीन या बाबर के बाद हुए हैं, और वो भी कहीं भी नहीं लिखते हैं कि जहां राम का जन्म हुआ वहां मस्जिद बनी हुई है। और इसी को लेकर पहले कांग्रेस की तरफ से या जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सवाल उठाए जाते थे कि अगर वहां मस्जिद तोड़कर बनाई थी तो तुलसीदास ने क्यों जिक्र नहीं किया था। पीएन मिश्रा ने आज उन तमाम सवालों के भी जवाब दे दिए और उन सब का मुंह बंद कर दिया। हालांकि कल जब उन्होंने पहली बार ये बात रखी थी तो लोगों को लगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने तथ्यों के आधार पर ये साबित कर दिया कि ये तथ्य देने के पीछे उनका सीधा मकसद है कि जो लोग, चाहे वो बाबरी एक्शन कमेटी हो या राजीव धवन जैसे वकील हों या कपिल सिब्बल जैसे लोग हों, जो कहते आए हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, वो एक बहुत बड़ा झूठ है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पहली बार ये शिलालेख मिलने की जो बात कही गई थी वो 1946 में मजिस्ट्रेट के द्वारा देखी गई। तो हो सकता है बाद में ये शिलालेख लगाए गए हों और उन पर जो भी लिखा गया वो तथ्यात्मक नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से बाबर नामा हो या आयन अकबरी हो या हुमायूं नामा हो या तुजुके जहांगीरी हो, किसी भी पुस्तक में इसका कोई जिक्र नहीं है। और अगर बाबर ने ऐसा किया होता तो वो निश्चित तौर पर इसको वहाँ पर उल्लेख जरूर करा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के काम करने के बाद अपनी प्रशंसा के लिए उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखता है। और बाद में उन्होंने बताया कि किस तरीके से अवध का जो शासक था उसको हराकर बाबर ने उसके छोटे भाई को वहाँ का कमांडर बना दिया था, तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर जो पूरा इलाका था वो बाबर के कब्जे में नहीं था, और उसके बाद बाबर भारत से वापस चला गया था। और बाद में जिस तरीके से जो इतिहास में मिलता है कि अगर औरंगजेब ने हिंदुओं के चार बड़े तीर्थ स्थलों को तोड़कर वहाँ मस्जिदें बना दी थी, जिसमें मथुरा और काशी का तो सबको पता है, और उसी में से ये अयोध्या का भी स्थल था जिसको राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना हुआ था उसको तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई थी। तो निश्चित तौर पर पीएन मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया, और इसको बार बार सवाल पूछे जाने पर जैसा कि उन्होंने पूछा कि आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या वह ढांचा जो था वो मस्जिद नहीं था, और मस्जिद था तो उसमें वो बाबर ने नहीं बनवाया था, और वहाँ हिंदुओं की आस्थाओं का क्या सवाल था, तो उन्होंने इस पर स्पष्ट किया कि चूंकि जज हाईकोर्ट के पहले कह चुके हैं कि वहाँ मस्जिद तो थी लेकिन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, और ये कहने वाले थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज SU खान, जो कि वहाँ निश्चित तौर पर उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, क्योंकि उसके जो स्तंभ वगैरह हैं, जो पत्थर हैं, वो मस्जिद में लगे हुए मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है, चूंकि जो सरिया का हवाला देते हैं वो मोहम्मद साहब की उस बात को भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी के घर को तोड़कर आप मस्जिद नहीं बना सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो जो मालिक है उसको उसकी ज़मीन वापस करनी पड़ेगी, और जो ऐसा करते हैं वो गुनाह करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक धर्म का जो स्थल है जिस पर पूजा होती रही है उसको तोड़कर अगर किसी ने भी वहाँ मस्जिद बनाई थी तो वो अवैध थी, और उसको किसी भी हालत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। इसीलिए हम उन सारे दावे करने वाले लोगों को कह रहे हैं कि उनका कोई दावा उस ज़मीन पर नहीं बनता है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, और उसको लेकर तमाम चर्चाएं कल से लेकर आज तक चल रही हैं। आज 15वें दिन की सुनवाई थी, 6 अगस्त से जब से सुनवाई शुरू हुई है। अदालत में रोज़ नए नए तर्क और वहाँ तथ्य रखे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से 3 जजों का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा सवाल खड़े करने वाला होता है, जिसमें जस्टिस SA बोबड़े और अशोक भूषण और DY चंद्रचूड़ बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। जो जस्टिस नज़ीर हैं वो सवाल करते हुए कम दिखते हैं, राम के ऊपर वो सवाल नहीं उठाते, राम के जन्मस्थान पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन अशोक भूषण, SA बोबड़े और DY चंद्रचूड़ ऐसे सवाल करते हैं जो कि हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाले होते हैं। निश्चित तौर पर इस तरीके के सवालों से उन्हें बचना चाहिए। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके पास बहुत ताकत है, और अगर अदालत अगर इस पूरे मामले को जल्दी नहीं निपटाती है तो वो अपनी ताकत के बल पर भी वहाँ मंदिर बना सकते हैं, क्योंकि 20 करोड़ हिंदुओं ने उनको चुनकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय नाम के उस सर्वोच्च कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो सीधे तौर पर
उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था और इस मामले का फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था और हिंदू जो वहाँ के जायज़ यानी कि सीधे तौर पर जो कि वहाँ दावेदार हैं, वहाँ मंदिर बनाने के लिए मांग कर रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से पिछले 6-7 महीनों में देखने को मिला और 7 साल में देखने को मिला, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद इसको मामले को लेकर इतना लंबा लटकाया गया और उसके बावजूद इस मामले में कोई फैसला न लेके पिछले जनवरी में ये हुआ था कि इसको एक मध्यस्थता कमेटी को सौंप दिया गया था और उसके द्वारा 6 महीने का समय व्यर्थ कर दिया गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये रोज़ यानी कि रोज़ाना के बेसिस पे डे टू डे बेसिस पे ये सुनवाई शुरू हुई और 6 अगस्त से लेकर अब तक 29 अगस्त तक 15 सुनवाई अब तक इस मामले में हो चुकी हैं और उम्मीद ये है कि जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायरमेंट से पहले इस पर फैसला आ जाएगा और वो फैसला न्यायपूर्ण होना चाहिए और वाजिब भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शरीयत का भी हवाला वकीलों ने दिया है और कहा है कि शरीयत भी इस बात से इनकार करती है कि किसी के मंदिर को तोड़कर आप मस्जिद नहीं बना सकते, उसको मस्जिद नहीं माना जाएगा। निश्चित तौर पर अब इन 5 जजों के पास एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि किस तरीके से वो जल्दी से जल्दी इस मामले में फैसला दें। ये जो पूरी पीठ है रंजन गोगोई के नेतृत्व में, जिसमें जस्टिस नजीर, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और ऐसे बोबड़े नाम के 4 जज और हैं, इसमें पहले यू ललित भी थे लेकिन उनके ऊपर सवाल उठा दिए गए थे राजीव धवन के द्वारा, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम जो था वो वापस ले लिया था। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राजीव धवन जैसे वकीलों के द्वारा इस पूरे मामले में जिस तरीके से भूमिका निभाई जा रही है, उसके लिए दोषी अगर आप किसी को ठहरा सकते हैं तो वो इन्हीं लोगों को ठहरा सकते हैं जो कि अपने आप को राम का उपासक बताते हुए भी राम के सबसे बड़े दोषी बने बैठे हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।